तो आप सभी अच्छे ही होंगे। तो ये क्या पूछना, अब अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का हम लोग का वीडियो होगा, टॉपिक बहुत ही बेसिक है और इससे भी अच्छी बात है ये मेरे क्लास की है तो और मेरे की है। तो आज हम जिन वो कहानी के बारे में बात कर रहे हैं वो है आई विश आई वेयर। और इससे भी अच्छी बात है कि इस कहानी के राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो बहुत एक फेमस राइटर हैं। उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। मैं वीडियो में ही उनका फ़ोटो पिक्चर भी डाल दूंगा अगर आपको देखना है तो। और वीडियो के भी कुछ पिक्चर, चैप्टर के भी कुछ पिक्चर्स हैं, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो अपने वीडियो को हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो हम लोग का चैप्टर का नेम है आई विश आई वेयर। व्हेन द गॉन बेंटेंस इन द मॉर्निंग आई वॉक टू स्कूल बाई ए आवर लैन। तो जब सुबह घंटी बजती है तो मैं अपने स्कूल की तरफ जाता हूँ, यही है। When every day when I meet a hawker, bangle, crystal bangle, there is nothing to hurry him on three. He is not no road he must take and no place he must to go, no time when he must come home. When I wish I were a hawker, spending my day on his paw on the road. Crying bangle, crystal bangle. When at four in the afternoon when I come back from the school, I can see through the gate of that house is. तो ऐसे ही हम तो I can see through the gate the house is gardener digging swide garden he does wire to likes with स्पेड। एक जो एक होता है ना जिससे हम लोग मिट्टी खोदते हैं उसी को बोलते हैं स्पेड। एड ही स्क्वाइल हिज क्लॉथ्स विद डस्ट एंड स्वाइल विद हिज क्लॉथ्स और नो बॉडी टेक्स हिम टू आस्क इफ ही गेट बैक बिग इन द सन और गेट एट। तो इस कहानी में रविंद्रनाथ टैगोर अपने बचपन की कहानी बता रहे हैं और ये भी इसमें बता रहे हैं कि एक बच्चा क्या सोचता है अगर वो किसी, जैसे वो किसी डॉक्टर को देखता है, सोचता है कि मैं भी डॉक्टर होता, क्या इनकी ज़िंदगी है, कुछ काम नहीं, होमवर्क बनाना नहीं। वो अपने से किसी कोई बड़ा भाई बहन है उसका, वो अपने बड़े भाई बहन को देखते हैं, बोलते हैं कि क्या अच्छा दिन है, डेली स्कूल भी नहीं जाना पड़ता है, अपना बस आराम से रहो, और स्कूल तो जाना है नहीं, होमवर्क बनाना है नहीं। तो ऐसा ही वो सोचता है अपने बड़े भाई बहन के बारे में। तो वो सोचता है कि काश मैं भी ऐसा ही होता। तो इसमें है तो उसको थोड़ा अलग करके अगर आप देखेंगे, वो स्कूल जाता रहता है बेचारा, तो उसी में वो जब देखता है एक आदमी रहता है वो हॉकर जो चूड़ी बेचने वाला रहता है, उसको देख के बोलते हैं वो कि मैं भी काश एक चूड़ी बेचने वाला होता तो मैं भी बोलता क्राइन बैंगल क्रिस्टल बैंगल। मेरी भी लाइफ ऐसी ही होती, कोई टाइम ही नहीं होता जब मैं घर से निकलता, घर में जाता, कोई ऐसा जगह नहीं होता जहाँ मैं जाता, और कोई ऐसा जगह नहीं होता जहाँ मैं नहीं जाता, हर एक जगह मैं जाता। तो उसके बाद जब वो उनकी छुट्टी होती है, वो घर आते हैं, तब देखते हैं ये कि जब वो घर आते रहते हैं तो एक आदमी रहता है, वो अपने कुल्हाड़ी से मतलब कुदाल से वो मिट्टी खोदता रहता है। तो वो सोचते हैं काश मेरी भी ऐसी ज़िंदगी होती, ऐसे अगर मैं इतने टाइम में खेलने जाऊँ ना इतने धूप में, मेरी मम्मी तो हमको इतना मारेगी, और अगर मुझे लूतू लग गया तब तो मेरा, मैं तो गया। वो ऐसा ही सोचते हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो उसके बाद वो सोचते हैं अगर मैं होता तो कितना अच्छा होता,
मैं कभी भी जाता, कितना भी धूप में करता, मेरे कपड़े कितने भी गंदे होते, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। कोई नहीं बोलता कि तुम न मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम मिट्टी मत खोदो, मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता। और उसके बाद जब वह बहुत रात होती है और जब वह सोने जाते हैं तो उनकी मम्मी बोलती है जाओ सो, इतनी रात तक नहीं जागना चाहिए। तो वो जागते हैं और उनके खुले विंडो से वो देखते हैं कि एक आदमी है, एक वॉचमैन है जो स्ट्रीट से उनके सड़क से जा रहा है। तो वो देखते हैं, वो सोचते हैं और वहाँ उसके हाथ उनके हाथों में एक लैम्प था। तभी तो इतना मॉडर्न था नहीं कि स्ट्रीट लैम्प्स है। एक वॉचमैन है, वो हम लोग की तरह साइकिल, वो हम लोग के वॉचमैन की तरह साइकिल आता है, एक राउंड मारता है, जागते रहो जागते रहो करता है और उसके बाद वो अपने घर जाता है। तभी था कि पैदल जाओ, लालटेन जो होता है उसे हर एक सबके घर में रखो और ऐसे ही। तो बहुत आज हम तो वो सोचते हैं अगर मैं होता तो मेरा भी अच्छा होता, मैं भी कभी ऐसा टाइम नहीं होता जब मैं टाइम पे स्कूल जाता। और मैंने कुछ पिक्चर्स भी डाल दिए हैं जो मैंने शुरू में ही वीडियो के बोला था कि मैं डाल दूंगा अगर आपको देखनी है वीडियोस तो। और ये बहुत वो इम्पोर्टेंट भी है, इसमें इस पर मैंने मेरा बहुत मेहनत लगा, मैंने बहुत खोज के फ़ोटोज़ डाली हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर किया है तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए ना आप लोग। तो ऐसा ही हम लोग आज का वीडियो था और हम आप दिखाने वाले हैं उन महान राइटर का जिनका नाम है दी रविंद्रनाथ टैगोर, उनका पिक्चर है ये और उनकी एक और पिक्चर है ये। तो रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही महान आदमी थे और ऐसे ही हमारे वीडियो बनने रहेंगे।